स्पॉन्सर्ड बाय फूड अड्डा, मुंबई फेमस फास्ट फूड ब्रांड। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा बोले, अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद सुरक्षा बलों पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। शोपिया की समग्र विकास करेगी सरकार। देखिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा से बातचीत। नवभारत समाचार जम्मू कश्मीर से शमशेर सिंह की रिपोर्ट। को हल करके जो उनका अधिकार है वो अधिकार उनको दिलाने का काम हमारी सरकार करे, ये संवेदनशीलता है हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, हमारे गृह मंत्री जी की, कि उन्होंने ये कहा है कि आप केवल दिल्ली में बैठ करके ही सरकार नहीं चलाएंगे, आप लोगों के बीच में जाइए। और उसी क्रम में हम सब लोग आ रहे हैं और यहाँ के बच्चों से, यहाँ की महिलाओं से, यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और आप जैसे जो हमारे पत्रकार साथी हैं, सभी लोगों से मिलकर के हम यहाँ पर कैसे कुछ बेहतर कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों को दिलाने के साथ साथ उनकी जरूरतें पूरी करेंगे, सुविधाएं बढ़ाएंगे और उनका जीवन बहुत ही शानदार हो, जैसा यहाँ नेचुरल ने दिया है। आपको प्रकृति ने इतना सुंदर वातावरण दिया है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरह से बात करते हैं, वेल एजुकेटेड है, उनकी समझ बहुत अच्छी है। जो भले शिक्षा नहीं लिए होंगे लेकिन वो समझ उनकी इतनी बेहतरीन है, तो उससे मुझे लगा कि बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। ये देश हमारा जो है वो इस देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे कश्मीर के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम दूर करके उनको सब देश की मुख्य धारा में लाए। 370 के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो कम हो जाएगी, वो डेवलपमेंट के हवाले से आपने बात की, डेवलपमेंट तो हो रही है मगर अगर बेरोजगारी की हम बात करते हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही है, इसकी क्या वजह? देखिए उसमें अब हम लोग जैसे अभी ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, इसमें एक्सपोर्ट की तरफ भी हम जा रहे हैं, जो हमारी वर्ल्ड लेवल पर भी एक्सपो वगैरह होती है उसमें हम काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में पिछड़ गए थे इन दिनों में, उनके लिए एजुकेशन दे करके सरकारी नौकरियों सहित दूसरे उनके लिए जॉब निकले उस पर भी सरकार काम कर रही है। सर हाल ही में की मंडी यहाँ खाली जम्मू में है, उसकी वजूहत है यहाँ पर जो व्यापारी है उनको खासा नुकसान उठाना पड़ता है, उसके लिए क्या कुछ कोई दूसरी मंडी भी चालू करेगा? सरकार की प्रतिबद्धता है, हमने अभी जो 3 नए कृषि कानून भी हम इसीलिए लेकर के आए हैं कि किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिले, उनके पास कई विकल्प हो, तो जहां पर भी जरूरत होगी वहां पर हम इस तरह की व्यवस्थाएं करेंगे। सर आखिरी सवाल, मेन स्ट्रीम पार्टी के धज्जक लीडर का ये कहना है कि आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जमहूरियत या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल पॉलिटिक्स या आवाम की बात नहीं सुनी जाती, ब्यूरोक्रेसी अपना रोब अपना ऑर्डर चलाती है, ब्यूरोक्रेट जो है अपनी मनमानी कर रही है और यहाँ के जो हुकूक जो सिविलियंस के हैं वो मारे जा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने तो जो यहाँ पर देखा है, देखिए मेरा अनुभव है, मैंने बहुत सारे लोगों से, कल ही मैं यहाँ पर रात में, मैं आज रुका भी और कल मैंने दिन में कई डेलीगेशन से बात की है, सभी लोगों ने हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के काम करने के तरीके के बारे में अच्छी अपनी राय दी है और उसके साथ साथ लगातार जिस तरह का उनका हमको साथ मिल रहा है, जो डेवलपमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर यहाँ की आवाम साथ में नहीं खड़ी होती सरकार के तो ये सारे काम इतने आसानी से नहीं होते। जिस तरह से यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, हमको यहाँ के लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और हमारे देश में जमहूरियत है, हमारी कल्चर में है, हम पुराने समय से पारंपरिक रूप से लोकतांत्रिक लोग हैं, हमारे देश में सारे लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं, वही सारी बातें हम लोगों ने कश्मीर में देखी है। इंशाअल्लाह हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ सारी जो स्थितियाँ हैं वो सामान्य। क्या मसीद रहेगी यूथ के लिए? यूथ के लिए क्या मसीद? देखिए नौजवानों का भी कल डेलीगेशन एक मुझे मिला, नौजवान चाह रहे थे कि अच्छी शिक्षा के विषय में हम लोगों को कई प्लेटफार्म हमको नहीं मिल पा रहा, हमारी पास योग्यता है। कल 2 बच्चे यहाँ मिले मुझे जो बहुत अच्छा गेम खेलते हैं क्रिकेट में, वो 2 लड़कियाँ थी वो रणजी तक खेली हैं, लेकिन उन लोगों को अब ये यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ थी कि उनको अवसर नहीं मिल पा रहा था, वो अलग अलग स्टेट से अपना नॉमिनेशन करा के किस तरह से बेचारे खेल रहे थे, तो ये था कि सुविधाजनक तरीके से प्लेटफार्म नहीं थे। अब हम जगह जगह स्टेडियम बना रहे हैं, इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं, ऐसे बच्चों को आगे लाने के लिए हमारी खेलो इंडिया उससे भी हमने स्कीम को जोड़ा है, हर ब्लॉक में ऐसे बच्चों को हम ढूंढ करके जहां भी जरूरत होगी, सरकार की प्रतिबद्धता है कि उनके लिए हम उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको एक अच्छा स्थान मिले, एक अच्छा प्लेटफार्म मिले, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिले, ऐसे सब काम हम लोग करेंगे।